पहला पड़ाव, एक ऐसा देश जिसके चेहरे आपको खुश भी करेंगे और कई चेहरे जो एक खौफनाक कहानी सुनाएंगे, जहां है दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट। ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म की थाली पर बुद्धिज्म परोसा गया, परोस कर तो यहां मकड़ियां भी मिलती हैं, बर्गर में पैक किया हुआ मगरमच्छ और फ्राइड मेंढक भी। वेलकम टू द लीस्ट एक्सप्लोर्ड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो अब हम छोड़ रहे हैं भोपाल, वी आर हेडिंग टू इंदौर, जहाँ से मुझे अपनी फ्लाइट लेनी है टू ऑनवर्ड्स टू कंबोडिया, नॉम पेन। और इससे अच्छा मौसम क्या हो सकता था, यू नो, आज के दिन ही हम कह सकते हैं कि मानसून का आगाज़ हुआ है भोपाल में। सो आई एम लीविंग राइट नाउ, बाय बाय भोपाल। भोपाल इंदौर के रास्ते में कुछ भी खास नहीं है, इसलिए चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अगम्य सक्सेना, मैं पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर हूँ, और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। जीवन के 38 साल लग गए ये समझने में कि ट्रैवल और टूरिज्म में क्या फ़र्क है। बस वही फ़र्क को और अच्छे से समझने मैं जा रहा हूँ कंबोडिया। साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है कंबोडिया। ये थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और गल्फ ऑफ थाईलैंड से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये एक छोटा सा देश है, इतना छोटा कि हमारा कर्नाटक एरिया वाइज इससे बड़ा है। यहाँ की पॉपुलेशन है करीब 2.25 करोड़। कैपिटल है पनॉम पेन। ध्यान दीजिएगा, आगे के कई वीडियोस में मैं इसे नॉम पेन कहूँगा, जो इसका गलत उच्चारण है। आखिर शुरुआत गलतियों से ही तो होती है। भोपाल इंदौर हाईवे पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉप है डोडी, एक छोटा सा गांव जिसमें एमपी टूरिज्म के एक रिजॉर्ट हाईवे ट्रीट ने झंडे गाड़ के रखे हैं। 24 घंटे नाश्ता, खाना, चाय, कम शक्कर की चाय, बिना शक्कर की चाय, सब मिलेगा यहाँ पे। इसलिए लगभग सारी बसेस भी यहीं रुकती हैं। बहुत बढ़िया, फिर से जाओ, फिर से फास्टैग हैंग हो गया। वीजा ऑन अराइवल संभव है, लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स कभी कभी कुछ टिप मांग लेते हैं, इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि evisa.gov.kh वेबसाइट पर जाकर अपना वीज़ा प्राप्त करें। कॉस्ट है करीब $36, यानी कि 2900 रुपये। So here we are at the Indore Devi Ahilyabai Airport. So, मैं जस्ट थोड़ा सा बात करना चाहता था कि आखिर इतने सारे डेस्टिनेशन में मैंने सबसे पहला अपना डेस्टिनेशन कंबोडिया क्यों चुना। उसके कुछ रीजन्स हैं। एक तो कंबोडिया पास है लाइक मोस्ट ऑफ द अदर साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, बट देयर इज़ ए रीज़न कि कंबोडिया बहुत कम लोग जाते हैं, उतना ज़्यादा टूरिज़म नहीं है जितना वियतनाम में है, जितना थाईलैंड में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, क्योंकि रिलेटिवली थोड़ी सी कंजर्वेटिव कंट्री है, रूल्स ज़्यादा हैं, मोनार्की है, मतलब इलेक्टिव मोनार्की जिसको हम कहेंगे, एब्सोल्यूट मोनार्की तो नहीं है बट मोनार्की है, और टूरिज़म बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, पुअर है, ओवरऑल GDP कम है उस कंट्री का, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज थोड़े से पिछड़े हुए लोग हैं, बट वहाँ का इतिहास बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ख़ासकर हम इंडियंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। खमैर वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो थोड़ी देर से। सो कंबोडिया को कंबोडियन लोग या उसके आसपास की कंट्रीज़ के लोग कंपोचिया कहना ज़्यादा पसंद करते हैं,
ना कि कम्बोडिया. कम्बोडिया इज़ प्रॉब्ली दी वेस्टर्नर्स नेम जो वेस्टर्नर लोगों ने उसको दिया है, बट वहाँ के लोग इसे कम्पुचिया कहते हैं. और वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको खमै बोलते हैं. स्पेलिंग इज KHMER, खमै. खमै जो है वो एक एम्पायर था जो जिसने कई सालों तक राज किया, कई शताब्दियों तक राज किया, ना सिर्फ कम्बोडिया में बट इस समय जो लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और इवन सदर्न चाइना का थोड़ा सा पार्ट जो है उसको भी रूल किया. इट वॉज ए बिग बिग एम्पायर. मतलब जब वो अपने पीक पर था उस समय चाइना. अरे यार लगता है ये मुझे बोलने नहीं देगा, मैं ट्राई करता हूँ फिर से. तो जो खमैर एम्पायर था वो सन 802 AD में एक राजा थे वहाँ के. नाम सुन के आप चौंक जाएंगे क्योंकि राजा का नाम था जयवर्मन टू. जी हाँ, जयवर्मन टू जो थे उन्होंने खमैर एम्पायर की स्थापना करी. उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूँ, दी एब्सोल्यूट रूलर ऑफ द यूनिवर्स. वहाँ से शुरुआत हुई खमैर एम्पायर की और ये एम्पायर चला लगभग 400 साल, बल्कि 1431 या 1432 में उसका फॉल हो गया. और राजा के नाम से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये लोग हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. ऐसा माना जाता है कि उस समय हिंदू स्कॉलर्स जो है माइग्रेट होके इंडिया से उस एरिया में गए. फिर उसके बाद बीच बीच में बुद्धिज़्म आया, फिर हिंदुइज़्म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, ऐसा 3-4 बार हुआ. इस समय तो कम्बोडिया प्राइमरीली एक बुद्धिस्ट कंट्री है, हिंदुइज़्म नहीं है. लेकिन वहाँ की स्कल्पचर्स, वहाँ के मंदिर जिनको हम अब देखने जाने वाले हैं, वर्ल्ड क्लास हेरिटेज मंदिर हैं. लुक एट दिस साइज ऑफ दिस फैन. So finally I've checked in till Phnom Penh. Boarding passes मिल गए और मुझे बहुत भूख लगी है. और एक बहुत अच्छी बात हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स की ये है कि इंटरनेशनल चेक इन, इमिग्रेशन, ट्रांजिट, सिक्योरिटी चेक सब बहुत फटाफट होता है क्योंकि यहाँ इतनी कम भीड़ है कि मुश्किल से 30 मिनट में मेरा पूरा काम हो गया. ट्रैवल में रोमांच भी है और रोमांस भी. यही कारण था कि हैदराबाद और नींद दोनों ही मुझसे दूर जा रहे थे. अगर शुरुआत ठीक ठाक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टिके रहिएगा एक नए वीडियो के लिए.